नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में बिना अनुमति के पार्टी का झंडा लगाकर ई रिक्शा रैली निकाल रहे बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 16 लोगों पर चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज किया गया है। फ्लाइंग टीम के प्रभारी की ओर से शहर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। टीम ने 14 ई रिक्शा पकड़कर जब्त की है। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां नुमाइश मैदान में बहुजन समाज पार्टी की सभा थी, जिसको सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबोधित किया था। इस दौरान बसपा नेताओं ने बिना परमिशन के ई रिक्शा रैली निकाली थी। फ्लाइंग स्क्वाड के प्रभारी मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह व पुलिस के टीम ने बसपा का झंडा और बैनर लगाकर रैली निकाल रहे 14 ई रिक्शा चालकों को ई रिक्शा सहित पकड़ लिया। टीम ने सभी 14 ई रिक्शा में उनके चालकों को थाने भिजवा दिया। फ्लाइंग स्क्वाड के मजिस्ट्रेट रामवीर सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र सागर, बसपा नेता सद्दाम राणा, रिक्शा चालक मोहम्मद शहजाद, राजू, अनीस, कामिल, शकील, नजीरुद्दीन, आरिफ, रमेश, वाजिद, तस्लीम, विशाल, मोहम्मद शफीक सहित 16 लोगों पर धारा 326 व धारा 171 के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में शहर कोतवाल का कहना है कि सभी ई रिक्शाओं को सीज कर दिया गया है। केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।